ये है आसमान के माहिर शिकारी ईगल्स यानी गरुड़। इनमें से कुछ के पंजे किसी ग्रिजली बेयर जितने बड़े होते हैं, कुछ खुराक जुटाते हैं रेगिस्तान की जमीन से और बहुत से किसी झील या समुद्र की सतह से। इनकी नजर, महारत और रफ्तार कमाल की होती है। ये पलक झपकते ही शिकार का काम तमाम कर देते हैं। दुनिया के हर हिस्से में शिकार और शिकारी के बीच रोजाना मुठभेड़ें होती हैं। जानवरों के पास हमला करने, बचने या मुठभेड़ के लिए बहुत थोड़ा समय होता है और कामयाबी या नाकामी टिकी होती है रफ्तार, हिम्मत और किस्मत पर। ये चरम शिकारी सिर्फ हमला ही नहीं करते बल्कि इसके साथ जुड़ी होती हैं और बहुत सी खूबियां। ग्रीनलैंड, ये है व्हाइट टेल्ड ईगल का घर। इसके पंखों का फैलाव 2.5 मीटर से ज्यादा होता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ईगल्स में से एक हैं। इनका हैबिटेट पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जापान तक फैला हुआ है। व्हाइट टेल्ड ईगल्स आमतौर पर पानी के बड़े निकाय के नजदीक घोंसला बनाती हैं। नर मादा जिंदगी भर के लिए साथ रहते हैं और इनका रोज का काम होता है शिकार पकड़ना और फिर उसे लेकर बच्चों के पास लौटना। मादा शिकार के छोटे छोटे टुकड़े करती है। और चूजे की भूख जैसे कभी मिटती ही नहीं। जैसे जैसे ये बड़ा होता है, माँ बाप इसकी खुराक को कम करते जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि चूजे अपना घोंसला छोड़कर खुद शिकार पर निकलें। लेकिन वो अब से कुछ हफ्ते आगे की बात है, इसलिए नर अपने चूजे की अगली खुराक की अपनी तलाश जारी रखता है। वो पानी के ऊपर उड़ते हुए ये देखता रहता है कि सतह के नजदीक कोई शिकार है कि नहीं। साल के इस वक्त में समुद्र मछलियों से भरा होता है। ये थर्मल्स यानी गर्म हवाओं में तब तक मंडराता रहेगा जब तक इसे खुराक नहीं मिलती। 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ते हुए ये नीचे होता लगाता है। इसके बड़े पंजे शिकार पकड़ने को तैयार हैं। कुछ ही मिनटों में नर खुराक लेकर लौट आता है। चूजा बड़ा होने लगता है तो माँ बाप बारी बारी से शिकार करते हैं। ये 24 घंटे में 11 बार तक शिकार पर निकल सकते हैं। जल्दी ही नर फिर से रवाना हो जाता है।
थके हुए माँ बाप को अभी एक और महीने ये सब करना है, उसके बाद ही चूजा घोंसले को छोड़ेगा। माहौल की चुनौतियों के हिसाब से ढलने के लिए सभी जानवरों को बदलाव लाकर उस हिसाब से विकसित होना होता है। भारत में लेपर्ड और टाइगर जैसी बड़ी कैट्स अपने मुश्किल से दिखने वाले फुर्तीले शिकार का पीछा करने के लिए कैमोफ्लेज और स्टेल्थ का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही घात लगाने वाले शिकारी हैं, जो अपने आखिरी हमले के वक्त अपनी रफ्तार बढ़ाने पर निर्भर करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ हैं। अतीत में कभी टाइगर का कोई पूर्वज इस मुश्किल माहौल के बावजूद यहां माइग्रेट कर गया था। ये पहाड़ सबसे कम दिखने वाले और दुर्लभ जानवरों में से एक का घर है। ये है स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ। अपने नाम के बावजूद ये टाइगर यानी बाघ से ज्यादा करीब से जुड़ा है। अकेली रहने वाली ये बड़ी बिल्लियां रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत कहलाने वाली जगह पर रहती हैं। कुदरत की ज्यादती से बचने के लिए इसके पास बालों की एक मोटी परत होती है। इसका कैमोफ्लेज पहाड़ की दशाओं से भी मेल खाता है। अपने बड़े और नरम पंजों की बदौलत ये सबसे मुश्किल ढलानों पर से भी आराम से आ जा सकता है। अगर रफ्तार के साथ अपने शिकार का पीछा करने की बात हो तो भी इस खड़ी ऊंचाई वाले इलाके में इस बिग कैट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस मादा को एक अकेला मार्कहोर नजर आ जाता है। ये बिना इसे नजर आए चुपके से इसकी तरफ नहीं बढ़ सकती, तो ये अब कोई एहतियात बरतती ही नहीं है। इसके लिए ये एक झटका है, लेकिन ये अब भी अपना शिकार जारी रखेगी। मौसम बदल रहा है, भूखे बच्चे बेचैन हो रहे होंगे। तभी एक बर्फीले तूफान में इसकी किस्मत खुल जाती है। इसे चट्टान पर एक मरा हुआ मार्कहोर मिल जाता है, जिसे ये अपनी मांद की तरफ खींचने लगती है। दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से इस एक में हर शिकार एक बड़ी जीत जैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया काफी समय तक बाकी कॉन्टिनेंट से अलग थलग रहा है,
तो इस दौरान इसकी वाइल्ड लाइफ बड़े ही अनोखे ढंग से विकसित हुई है। इसके नतीजे में इस देश में बिल्कुल अलग इकोसिस्टम और अनोखे जानवर इवॉल्व हो गए हैं। अपने गर्म क्लाइमेट की वजह से ये छिपकलियों जैसे ठंडे खून वाले रेप्टाइल्स के लिए एक सही जगह बन गया है। चाहे रेगिस्तान में रहने वाला थॉर्नी डेविल हो, फ्रिल्ड लिजर्ड, या फिर घरों के अहातों में मिलने वाला कॉमन ब्लू टंग, लेकिन इनमें से सबसे दमदार और सबसे बड़े होते हैं मॉनिटर लिजर्ड्स, जिन्हें गुआनास भी कहा जाता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही इनकी 20 से ज्यादा प्रजातियां हैं। इनका साइज भी अलग अलग होता है। पेरेंटी सबसे बड़ी होती है और इसकी लंबाई 2.5 मीटर तक हो सकती है। सुस्त लगने इस चरम शिकारी को जहरीले सांप खाना भी पसंद है। पेरेंटी की बाइट जहरीली होती है और ये जायंट इंडोनेशियन कोमोडो ड्रैगन से जुड़ी हुई है, जो बड़े जानवरों को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करता है। लेस मॉनिटर्स को ट्री गुआनास भी कहा जाता है और ये जिंदा शिकार की तलाश में बड़ी आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत से जीव आर्बोरियल होते हैं, इसलिए चढ़ने की खूबी लेस मॉनिटर्स को एक बढ़िया विकल्प देती है। इसके पंजे आसानी से गम ट्री की नर्म छाल में गड़ जाते हैं, जिससे इसे पकड़ मिलती है। लेस मॉनिटर को एक बढ़िया मौका नजर आया है। पेड़ की चोटी के नजदीक एक खोखल में एक पौसम का घोंसला है, लेकिन माँ को जल्दी ही मॉनिटर से पेश खतरे का एहसास हो जाता है। ये इस छिपकली को चिल्लाकर चेतावनी देती है और घोंसले में घुसने का रास्ता रोक देती है, क्योंकि अंदर उसके बच्चे हैं। मॉनिटर लिजर्ड पीछे हट जाती है। फिलहाल गतिरोध जारी है। ये भला इस अडल्ट पॉसम पर जीत कैसे हासिल करेगी? ऐसे में छिपकली एक आसान सी तरकीब अपनाती है। ये अचानक माँ को मात देते हुए घोंसले में घुस जाती है। माँ इस छिपकली की पूंछ पर काटती है, लेकिन इसकी खाल बहुत सख्त है और ये अब इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये समझ लेती है कि इस चालाक और तेज शिकारी के हाथों ये अपने बच्चे गंवा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जो उथला सागर मौजूद है, उसमें बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर मौजूद ग्रेट बैरियर रीफ। इसमें कोरल बनाने वाली रीफ की करीब 600 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इस इकोसिस्टम के आसपास बहुत तरह के जीव रहते हैं।
इसमें नर्म शरीर वाले मोलस्क्स रहते हैं, जैसे कि कटलफिश और स्क्विड, और सख्त एक्सोस्केलेटन वाले श्रिम्प और क्रैब जैसे क्रस्टेशियंस भी। यहाँ बचाव, हमले और कैमोफ्लेज और स्टेल्थ से जुड़ी लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहती हैं। मैंटिस श्रिम्प सबसे बड़े आकार के कार्निवोरियस क्रस्टेशियंस में से एक हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें शिकार की इनकी अनोखी महारतों की वजह से प्रॉन किलर्स भी कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, स्मैशर्स और स्पीयरर्स। स्पीयरर्स के पास आगे को निकली हुई कई लंबी स्पाइंस होती हैं, जिन्हें ये अपने शिकार में भोंक सकते हैं, जबकि स्मैशर के पास एक सख्त क्लब होता है जो दूसरे क्रस्टेशियंस के शेल्स को कुचल सकता है। ये पीकॉक मैंटिस कोरल के बीच बिल्कुल जंगल में मौजूद किसी सैनिक के अंदाज में अपने शिकार का पीछा कर रहा है। ये बाधाओं के पीछे छिप जाता है और माहौल सुरक्षित होने पर ही आगे बढ़ता है। ये सब ऐसा लग रहा है मानो ये आपस में छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हों। लेकिन मैंटिस एक गंभीर शिकारी होता है और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने सख्त एपेंडेजेस से शिकार पर हमला कर सकता है। ये किसी भी जानवर का सबसे तेज रफ्तार हमला है। इस हमले में इतनी ताकत होती है कि आसपास का पानी उबलने लगता है। हाई टेम्परेचर वाले इन बुलबुलों से शिकार के टुकड़े टुकड़े करने में मदद मिलती है। मैंटिस सिर्फ गुनगुने ट्रॉपिकल सागरों में ही नहीं रहता। कैलिफोर्निया के तट के नजदीक वाली ठंडी जलराशियों में एक मैंटिस श्रिम्प समुद्र की तली में एक बिल में बसता है। इस जगह पर ऑक्टोपस का राज चलता है। लेकिन मैंटिस आसानी से डरता नहीं और बचाव को हमले में बदल देता है। ऑक्टोपस पर तेज रफ्तार से किए गए हमले से बात बन जाती है। यहाँ ऑक्टोपस के लिए आसानी से मिल सकने वाले शिकार मौजूद हैं। समुद्र की तली में एक और शिकारी मोलस्क रहता है, ये है रंग बिरंगी कटलफिश। इसे कुदरत का सबसे बड़ा समुद्री मिमिक कह सकते हैं। ये अलग अलग किस्म के कोरल और पौधों से मेल खाने के लिए अपने रंग बदल लेती है।
ये ऐसा सिर्फ शिकारियों से बचने के लिए ही नहीं करती, बल्कि शिकार को भी अचानक दबोचने के लिए इसकी मदद लेती है। कटलफिश एक बहुत ही अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने शिकार को फंसाती है। ये बहुत धीरे धीरे अपने मुंह से एक लंबी टेंटिकल निकालती है, जिसके छोर पर मौजूद है एक सकर। एक बार किसी के टेंटिकल को छूने पर ये उसे तेज रफ्तार पर वापस खींचती है, जिससे इसका शिकार इसके मुंह में पहुंच जाता है। ये किसी ऐसे शिकारी के लिए विकास प्रक्रिया से जुड़ा एक और अनोखा शॉर्टकट है, जिसमें आम तरीकों से अपने शिकार को पकड़ने लायक रफ्तार नहीं होती। तेज रफ्तार वाली जीभ एक ऐसी खूबी है जो एक ऐसे जानवर में मिलती है जो एक और ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में रहता है, और ये इससे बिल्कुल उल्टा है। कमेलियन ज्यादातर अफ्रीका और मेडागास्कर के रेन फॉरेस्ट्स और रेगिस्तानों में रहता है। ये छिपकलियों की एक पुरानी प्रजाति है। ये दिखने में या तो किसी रेन फॉरेस्ट की पेचीदा कैनोपी से मेल खाने के लिए रंग बिरंगे हो सकते हैं, या ये तपते रेगिस्तान की मिट्टी जैसा रंग अपना सकते हैं। ये तो दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ भी रंग बदलते रहते हैं, या किसी साथी को लुभाने के लिए भी। इन्हें ये खूबी अपने स्किन सेल्स में मौजूद पिगमेंट्स की वजह से मिलती है। इनकी ऐसी आंखें होती हैं जो शिकार को ढूंढने के लिए अलग अलग 360 डिग्री पर घूम सकती हैं। इन्हें ये कमाल की खूबी चाहिए होती है अपने शिकार का पता लगाने के लिए। कमेलियंस की जिंदगी का ज्यादातर समय पेड़ पौधों से चिपके हुए पूरी तरह स्थिर रहते हुए बीतता है, और जब ये मूव करते हैं तो वक्त जैसे थम सा जाता है। ये अपनी पूंछ को अपने पांचवें पंजे की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी जगह टिके रहें और अपनी अनोखी जीभ को इस्तेमाल कर सकें। ये कमेलियन की बॉडी से भी ज्यादा लंबी होती है और बड़ी फुर्ती से बाहर निकलती है। जूलॉजिस्ट इसे एक बैलिस्टिक टंग कहते हैं, और ये नाम सही भी है। इनकी जीभ का छोर फाइटर जेट पायलट्स को महसूस होने वाली जी फोर्स से भी 5 गुना तक तेजी से काम करता है। इनकी जीभ के अंदर ऐसे सख्त फाइबर होते हैं जो एनर्जी को किसी खींचे हुए रबर बैंड की तरह स्टोर करके रखते हैं। जब इनकी जीभ किसी स्प्रिंग की तरह रिलीज होती है तो ये अपने टारगेट पर 15 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से झपटती है। लेकिन शिकार को धोखे में डालती है इनकी एकदम चुपचाप रह पाने की काबिलियत। कमेलियन शिकार के अपनी रेंज में आने तक चुपचाप इंतजार करता है, और इसमें मदद करता है इसका कैमोफ्लेज। अगर कमेलियन दिख भी जाए तो कीड़े को लगता होगा कि वो उनसे इतनी दूर हैं कि कोई खतरा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीप पर मौजूद चिपचिपा पैड शिकार से चिपक जाता है,
और जीप तेजी से घूमकर कमीलियन के मुंह में लौट आती है। ठंडे खून वाला एक ऐसा रेप्टाइल भी है जो कभी हार नहीं मानता, और वो है एलिगेटर। घात लगाने वाले शिकारी के तौर पर ये अपने फंसे हुए शिकार को पकड़ने के लिए जबरदस्त रफ्तार इस्तेमाल करते हैं। ब्राजील के पैंटनाल में यहाँ की विशाल और लंबी जलधाराओं में साउथ अमेरिकन केमैन का राज चलता है, लेकिन सर्दियों में ये जलधाराएं सिकुड़ जाती हैं। हालांकि यहाँ शिकार आसानी से मिल जाता है, लेकिन इन सिकुड़ते तालाबों में मुकाबला जबरदस्त होता है। वुडस्टॉक्स जैसे जानवर जमीन पर हो रही मारामारी से दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी उनकी किस्मत भी जवाब दे जाती है। एक कम उम्र वुडस्टॉक एक पेड़ पर से नदी के किनारे पर गिर जाता है। ये अभी ठीक से उड़ नहीं पाता और इस हलचल की तरफ फौरन एक केमन का ध्यान जाता है। स्टॉक को अपनी तरफ बढ़ते इस खतरे का अंदाजा नहीं है। बड़े पक्षी किसी भूखे मांसाहारी जीव को अच्छी खासी खुराक मुहैया करा सकते हैं। मुख्य हवाईयन आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट में छोटे एटॉल्स का एक ग्रुप है जहां एल्बेट्रॉस घोंसला बनाते हैं, और आसपास के सागर में शार्क्स गश्त लगाती रहती हैं। एल्बेट्रॉस के बच्चे समुद्र के ऊपर से अपनी पहली उड़ान भरने की तैयारी में हैं। इन चूजों की अब तक की छोटी सी जिंदगी जमीन पर गुजरी है, तो इन्हें नहीं मालूम कि इस नीले पानी के सतह के नीचे क्या कुछ मौजूद है। टाइगर शार्क ट्रॉपिकल सागरों के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। अगर ये साल के सही समय पर इन हवाईयन एटॉल्स में आ जाएं, तो फिर इन्हें इन परिंदों की भरपूर दावत मिल सकती है। अल्बेट्रॉस की जिंदगी समुद्र से उठने वाली थर्मल यानी गर्म हवाओं में उड़ते हुए बीतती है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और उन्हें पानी की सतह पर छोटे ब्रेक्स भी लेने होते हैं, और इसके साथ कुछ बड़े खतरे भी जुड़े हैं। नीचे टाइगर शार्क्स इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि इनके शिकार के पास पंख हैं। ये तो सिर्फ एक वार्म अप था। शार्क फिर से आती है, इस बार सामने से, लेकिन ये परिंदा फिर बच जाता है। जबकि शार्क चाहती थी कि ये उसकी खुराक बन जाए,
एक और अल्बेट्रॉस इसके जानलेवा जबड़ों से बच जाता है। लेकिन फिर आखिरकार एक इसका शिकार बन ही जाता है। ये बड़े पक्षी न्यूट्रिशन के लिहाज से इनके लिए एक लॉटरी से कम नहीं। टाइगर शार्क्स कई तरह के शिकारों को अपना निशाना बनाने के लिए जानी जाती हैं। सच ये है कि समुद्र में जो भी इनके सामने पड़ता है ये उसे खा सकती हैं। हवाई के 7,500 किलोमीटर साउथ ईस्ट में ग्रेट बैरियर रीफ के आइलैंड्स मौजूद हैं। यहाँ मौजूद एक और आइलैंड रेन आइलैंड पर भी बहुत से पक्षी घोंसला बनाते हैं। इस बार ये घोंसले ग्रीन टर्टल के हैं। हर साल ये यहाँ आते हैं, हजारों की संख्या में अपने अंडे देते हैं और फिर समुद्र में लौट जाते हैं। और मौका परस्त टाइगर शार्क्स की नजर इस बात पर रहती है। उनके लिए ये तोहफा तो अल्बेट्रॉस के बच्चों से भी बड़ा है। किसी शिकारी के लिए किसी कछुए की बॉडी में काफी मांस होता है, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए एक मोटा कवच भी होता है। टाइगर शार्क को पहले इस बदकिस्मत कछुए के पास से गुजरते हुए तय करना होगा कि इसके शिकार का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। कछुए का कवच एक कुदरती शील्ड का काम करता है, तो शार्क पहले एक बड़े फ्लिपर पर हमला करती है। आखिर में ये अपने दोस्त की मदद से शेल के नीचे मौजूद मांस तक भी पहुंच हासिल कर लेगी। टाइगर शार्क स्मार्ट और बेरहम शिकारी होती हैं, जो अपने ट्रॉपिकल माहौल में मिलने वाले हर मौके का पूरा फायदा उठाती हैं। हमारे जंगलों और रेगिस्तानों वाले हिस्सों में शिकारियों के बीच मुकाबला जबरदस्त होता है। यहाँ कातिल हर शेप और साइज में मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट क्वींसलैंड के रेन फॉरेस्ट में एक छोटी सी मगर अक्लमंद मकड़ी घात लगा रही है। फ्रिंज जंपिंग स्पाइडर नाम की ये मकड़ी अपनी औकात से बाहर जा रही है। शरीर पर बालों के गुच्छों की वजह से इनकी शेप आम मकड़ी जैसी नजर नहीं आती। शिकारियों या शिकार को धोखे में डालने के लिए ये लगातार अपनी टांगें हिलाती रहती हैं, ताकि ये जंगल के मलबे पर पड़ने वाली फ्रिकलिंग लाइट की नकल कर सकें।
हालांकि ज्यादातर मकड़ियां अपने शिकार को पकड़ने के लिए जालों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसके पास शिकार करने का एक बहुत ही अकलमंदी भरा तरीका है। आप इतने छोटे से साइज वाले किसी जीव में समस्याओं को हल करने की ऐसी खूबियों की उम्मीद नहीं करेंगे। इसकी नजर भी कमाल की होती है और किसी कॉमिक स्ट्रिप हीरो की तरह जब ये जंप लगाती है तो सिल्क की एक बंजी कॉर्ड इस्तेमाल करती है एक सेफ्टी लाइन की तरह। ये इतनी हिम्मती होती है कि दूसरे जालों में मौजूद मकड़ियों पर हमला कर देती है या उनके शिकार को पकड़ने की भी कोशिश करती है। लेकिन ये कभी नहीं फंसती क्योंकि इसके शरीर पर बाहर की तरफ चिकनी कोटिंग होती है जो इसे जालों में चिपकने नहीं देती। इसके पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए कई मौके और अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन कूदने की इसकी खूबी इसे बढ़त दिला देती है। ये सेंट एंड्रयूज क्रॉस स्पाइडर नहीं जानती कि ये मकड़ी अपने शरीर की लंबाई से 50 गुना ज्यादा लंबी जंप लगा सकती है। कभी कभी इस छोटी मकड़ी की हिम्मत इसे ही चित कर देती है। तेजी से जंप लगाने की काबिलियत किसी शिकारी का सिर्फ एक ही हथियार नहीं होती। कुछ शिकार तो शिकारियों से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि छोटा सा कैंगरू रैट। वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के बेरहम रेगिस्तानों में आपको जगह जगह मशहूर सुवारो कैक्टाई उगी हुई मिल जाएगी और यहाँ एक जानलेवा और कम दिखने वाला शिकारी गश्त लगाता रहता है। ये है रैटल स्नेक। वेस्टर्न डायमंड बैक्स सबसे जानलेवा सांपों में से एक होते हैं। सभी रैटल स्नेक्स घात लगाने वाले शिकारी हैं और इनके पास अपने शिकार का पता लगाने की कुछ खूबियां होती हैं। ये सिर्फ साइट या स्मेल की मदद से शिकार नहीं करते, बल्कि इनके सिर में मौजूद छोटी पिट्स में इंफ्रारेड सेंसर्स भी होते हैं। इन पिट्स में एक खास मेम्ब्रेन होती है जो 1 मीटर दूर से ही गर्म शरीरों से निकलने वाले रेडिएशन का पता लगा लेती है। रात में इसके जरिए सांप किसी इमेज को एक इंफ्रारेड कैमरे की तरह देख पाता है। इस सांप का मशहूर रैटल इसकी पूंछ के छोर पर मौजूद केराटिन कॉइल से बना एक झुनझुना सा होता है, जिसका इस्तेमाल ये दूसरे शिकारियों को चेतावनी देने के लिए करता है। ये 1 सेकंड में 90 बार तक हिलता है, लेकिन शिकार के वक्त ये इसे खामोश कर देता है। लेकिन इसे शोहरत मिली है अपने अचानक और तेजी से होने वाले हमले की वजह से, जिसकी रफ्तार
200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। अपने खोखले फैंग्स के जरिए ये शिकार के शरीर में जानलेवा टॉक्सिक को झोंक देता है, फिर सांप इसका असर होने तक इंतजार करता है। अमेरिका के कई रेगिस्तानों में झाड़ियों में ये जानलेवा शिकारी घात लगाता रहता है, तो ऐसे में इनके शिकार को भी इससे बचने के लिए खुद को बदलना था। रेगिस्तान के एक स्पेशलिस्ट ने इससे बच निकलने की एक बिल्कुल अनोखी रणनीति विकसित की है। ये जीव है कैंगरू रैट। ये कंगारू प्रजाति से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन इस ऑस्ट्रेलियन मार्सुपल की तरह इसकी लंबी पिछली टांगों में एनर्जी स्प्रिंग जैसे टेंडन्स में जमा रहती है, जो इस कैंगरू रैट को इसके हिप हाइट से 10 गुना ऊपर तक उछाल सकती है। इनकी पूंछ इनके पूरे शरीर से ज्यादा लंबी होती है, जिससे इन्हें उछलकर भागने के दौरान बैलेंस मिलता है। इस रफ्तार और फुर्ती की वजह से इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार ये बाल बाल बचा। कैंगरू रैट अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी अपनी रफ्तार इस्तेमाल करता है। ऊपर कीड़े भिन भिन आ रहे हैं, ये पहुंच से बाहर लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। जानकर हैरानी होगी कि इन्हें जितना पानी चाहिए होता है वो सारा अपनी खुराक से ही मिल जाता है। कुदरत ने इन्हें अमेरिका के रेगिस्तान की मुश्किल और जानलेवा स्थितियों में जिंदा रहने के लिए बखूबी ढाला है। रैटल स्नेक शायद इस तपते हुए इलाके में सबसे डरावना जानवर हो, लेकिन यही एक और ऐसा जानवर है जो इससे भी ऊपर है। ये है रोड रनर। उड़ ना सकने वाले इस परिंदे से एक मशहूर और लंबी कार्टून सीरीज की प्रेरणा मिली थी, और ये जीव 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन इसमें शरीर की नमी खपती है और इसके पास उसे कायम रखने के लिए कमाल के तरीके हैं। कैंगरू रैट की तरह ये पानी अपनी खुराक से लेता है, लेकिन ये अपने मल में बचे पानी को भी दोबारा जज्ब कर लेता है। लेकिन इस पक्षी को खुराक के तौर पर मैमल्स, लिजर्ड्स और रैटल स्नेक ही ज्यादा पसंद आते हैं, और इससे समस्या हो सकती है। किसी भूखे रोड रनर को अगर कोई छोटा रैटल स्नेक भी काट ले तो ये उसके लिए घातक हो सकता है। ये कम उम्र सांप फौरन ही कुंडली मारकर बचाव की मुद्रा में आ जाता है और अपने मशहूर वार्निंग रैटल को इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन शायद इतने से ही बात नहीं बनेगी। इस मुकाबले में वो जीतेगा जो पहले और ज्यादा तेज रफ्तार से हमला करेगा।
बेशक यहाँ दो रोड रनर्स हैं, लेकिन फिर भी इन्हें चिंता हो रही है। ये अपने पंख फड़फड़ाकर और अपनी बड़ी पूंछ हिलाकर सांप को डराने की कोशिश करते हैं। रोड रनर्स का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। ये सांप के करीब पहुंचते जाते हैं और इसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहे हैं। आखिरकार एक रोड रनर गतिरोध तोड़कर हमला कर ही देता है। रैचल स्नेक अब भी जिंदा है, लेकिन चकराया हुआ है। रोड रनर अब रुकने वाला नहीं है। ये सांप को जमीन पर पटकता ही रहेगा। ये तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक इसे ये यकीन नहीं हो जाता कि अब सांप मरने वाला है और अपना आखिरी जवाबी हमला नहीं करेगा। रोड रनर को सांप की हड्डियां भी तोड़नी होंगी। इसके मुंह में दांत नहीं होते जिससे ये सांप के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खा सके, तो इसे सांप को साबुत ही निगलना होगा। सांप को पचाने में इसे कई घंटे लग सकते हैं, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है कि आपको रोड रनर्स के मुंह से उनका शिकार बाहर लटकता नजर आए। रोड रनर हमारे विविधता से भरे इकोसिस्टम्स में मिलने वाले कई बेहद तेज रफ्तार शिकारियों में से सिर्फ एक है। एवोल्यूशन ने इन सभी अलग अलग तरह के जीवों को किसी भी जरिए से जिंदा रहने के लिए तैयार किया है। रफ्तार और सही वक्त पर सही फैसला लेने के मेल से अक्सर जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय हो सकता है। चाहे शिकार किसी चट्टानी किनारे पर हो, किसी पेड़ पर, किसी धागे से लटकते हुए या ऊंचाई से नीचा झपट्टा मारते हुए, छिपकर और तेजी से शिकार करने वाले ये शिकारी कामयाबी हासिल करते हुए रोज बरोज जीते रहते हैं।